पहली बार लाइव स्नोफॉल देखी हम। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू यार, मजा आ गया। लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देख रहा हूँ यार, कसम से बहुत ही अच्छा लग रहा। और ज्यादा बादल होगा, मैं आप लोग को दिखाऊं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और कल हम कलाम पहुंचे थे। अगर आपने नहीं देखा व्लॉग तो वो जाके देखें। अभी जो सीन है, अचानक से मैं उठाऊँ और उठने की वजह क्या है मैं आप लोग को बता दूं। मैं सो रहा था अपनी पक्की नींद में, होटल के जो रिसेप्शनिस्ट है भाई, उन्होंने आके गेट बजाना शुरू कर दिया सुबह। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, खैरियत तो इतनी ज़ोर ज़ोर से गेट बजा रहा है। तो जब गेट खोला हमारे भाई ने कहा कि इसमें फॉल हो रही है, और मतलब कि हमारी दुआ कबूल हो गई। अभी थोड़ी सी हल्की हो गई है, लाइव स्नो फॉल हो रही है। पहाड़ों का रंग बिल्कुल चेंज हो गया, ये वही पहाड़ है जब कल आए थे। तो ये सारे जो पहाड़ हैं सब के सब बिल्कुल सूखे पड़े हुए थे, बेरंग, ना कोई रंग था ना कुछ। और अभी आप देख सकते हैं सब वाइट हो गए, और वो बादल आप चेक करें, बादल कहाँ आए हुए, सब स्नो फॉल हो रही है। बिल्कुल हल्की हुई है, आप लोग को पता नहीं दिख रही हो नहीं दिख रही हो, यानी अभी हल्की हल्की गिर रही है बर्फ़। और ये सुबह 6:30 बजे से हो रही है, जब भी पहाड़ों का रंग आप देख सकते हैं वाइट हो गया, वरना जब हम कल आए थे तो ये बिल्कुल फीके पड़े रहते। और अभी जो सेंटीग्रेड चल रहा है 1 सेंटीग्रेड हो गया, यानी कल जो था ना लास्ट जो था रात के अंदर, वो 6 और 5 पे पहुंचा था, इससे ज़्यादा नहीं था। अभी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, और पहली बार लाइव स्नोफॉल देखी हमने, तो बड़ी खुशी हो रही है। मेरा मुँह सूख रहा है, मैंने से मुँह पर पानी मारा जल्दी जल्दी बाहर आने के लिए। अभी यह है कि बाहर निकलते हैं, दुआ कर रहा हूँ कि तेज़ हो जाए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। और सबसे मेन चीज़ ये, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो इस चीज़ की है कि ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम, यानी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ स्नोफॉल। शारदा गए थे वहाँ पर, स्नोफॉल नहीं हुई, मतलब लाइव नहीं हुई, वैसे बर्फ़ ही बर्फ़ थी, पूरा बर्फ़ की चादर ओढ़ी हुई थी पूरे शारदा ने, लेकिन स्नोफॉल नहीं देखी। यहाँ पर यह है कि लाइव हो रही है, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। मुँह पर थोड़ा लोशन वोशन लगा लूँ, मुँह सूख रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल यार, बहुत तेज़ हो गई है इस वक्त स्नोफॉल। माशाल्लाह माशाल्लाह, ओह लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देख रहा हूँ यार, कसम से बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत तेज हो गई है इस टाइम। अच्छा गाइस, बिल्कुल रेडी हूँ मैं बाहर निकलने के लिए, और जूते नहीं पहने अभी भी मैंने। और अभी आप सीन देखें, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है स्नोफॉल, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप चेक करें, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, आप चेक करें। मेरा तो देख ही जो है वो दिमाग ख़राब हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी तेज़ हो रही है स्नोफॉल यार। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू यार, मज़ा आ गया यार। जब हमारे होटल वाले भाई ने, जो रिसेप्शनिस्ट है, उन्होंने आके हमें उठाया और बोला कि यार स्नोफॉल हो रही है, उस वक्त हल्की हो रही थी, इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। बिल्कुल रेडी हूँ, बस जूते पहनने हैं मैंने। तो अभी यह है कि बाहर निकलता हूँ, और बाहर के व्यू आप लोग को चेक कराता हूँ कलाम का। ये हमारा आखिरी पॉइंट था, और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी पॉइंट हमारा कुमराट था, लेकिन कुमराट बंद है। तो कलाम हमारा आखिरी पॉइंट था नॉर्दर्न एरियाज का, फिर यहाँ से हमें वापसी यहाँ था इस्लामाबाद, 2 दिन का स्टे करने के बाद, यानी कल जाना था। कल हम यहाँ पे आए और आज का घूम के, मतलब दिन, आज का पूरा दिन लगा के कल हमें यहाँ से वापसी जाना था। और हम दुआ कर रहे थे यार आखिरी पॉइंट है, काश हमें स्नोफॉल देखने को मिल जाए, लाइफ कभी नहीं देखी। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली बहुत तेज़ स्नोफॉल हो रही है, मेरे हाथ जम रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। अभी 1 सेंटीग्रेड था, अब -1 हो चुका है, मैंने अभी चेक किया है। तो ये है कि जूते पहन लूँ, अगर बाहर निकलते हैं, बाहर के व्यू आप लोग को भी चेक कराता हूँ, आप खुद भी देखता हूँ और इन्जॉय करता हूँ। स्नोफॉल हो रही है, लेकिन मेरी छतरी जो है वो गिर गई थी, तो मुझे भी छतरी लेनी पड़ेगी। पहले मैं छतरी ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, छतरी कितने की है? छोटी दिखा दें, कोई ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए। ये वही वाली लग रही है, अपनी वाली, ये अपनी वाली। कितने की? नॉर्मल से मतलब ये वाली कितने की? तो बड़ी है। आपको सस्ते दे दो, तो ये नहीं है, हमने मुनासिब कर लेंगे। अंकल इसके, ये महंगा है, ओरिजिनल है मेरा, ये चीज नहीं है, इनको बर्बाद टूटता नहीं, उसमें मां करना नहीं पड़ेगा तुम्हारा, सर की तो छतरी जो है वो ले ली है मैंने, और 470 रुपये की मिली, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। हमने 300 रुपये की 2 ली थी रावलपिंडी से, जब टूर हमारा स्टार्ट हुआ था, यानी मरीज जाने वाले थे हम लोग, जब मेरी छतरी जो है वो एबटाबाद से मानसर आने में बस में रखी थी, बड़ी बस थी, तो वो पीछे रखी थी, बैग से निकल के नीचे गिरी है पाँवों में, वहाँ से कहाँ गई पता नहीं चला, किसी ने उठाई है कहाँ गई ये मुझे याद नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि बर्फ़ बहुत तेज़ गिर रही है, पानी बारिश टाइप का भी, मतलब गीला गीला भी हो रहा है, मोबाइल से शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है,
इतना गीला होगा शूट तो नहीं कर सकते, असली छतरी लेनी पड़ेगी। अब ये पहले भूख लग रही, नाश्ता करते हैं, बर्फबारी तो इंजॉय करी है, तो आप लोग को नाश्ता दिखाते हैं। ये बना रहे ना पराठे, वहाँ नाश्ता, चलो वहाँ पे दिखा देंगे। अभी हर तरफ जो है गरम गरम पराठे बन रहे हैं, चाय बन रही, तो अभी बहुत सारे रेस्टोरेंट है यहाँ पे, इसमें आप नाश्ता कर सकते हैं, बहुत सारे होटल्स हैं। अभी सामने भी हम लोगों को एक होटल दिख रहा है, वहाँ पे भी पराठे चेक करते हैं कि पराठे बन रहे, तो हम ये करेंगे पहले नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि इतनी ठंड हो रही है और ठंड में गरम गरम पराठे खाने का मज़ा ही कुछ और है। अब यहाँ से व्यू देखें, एक तो स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल के साथ साथ जो है ठंड बढ़ गई है और यहाँ पानी बह रहा है, अलग ही व्यू आ रहा है यार। अभी बिल्कुल स्लो हो गई है स्नोफॉल, आप लोग को शायद दिखे भी ना कि कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू, पहाड़ देखें ऊपर के आप लोग, जो कि कल दिख रहे थे बिल्कुल क्लियर। ओके गाइस, तो गरम गरम पराठे और ये चने आ चुके हैं, अब चाय आएगी और फिर नाश्ता करते हैं। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया और नाश्ता करते हुए तीन चार लड़के हम लोगों को मिले जो कि फैसलाबाद के हैं, और उसमें से एक लड़का इस्लामाबाद का है, तो उनसे अच्छी खासी बातचीत हुई, उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर करे हमसे कि यहाँ आए हुए क्या क्या खर्चा हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं कलाम में, और बहुत सारी बातें हमने उनसे की, उन्होंने हमसे की। लेकिन अभी सीन ये है कि हमारा प्लान था आज की सुबह, यानी कि यहाँ पे जीप है, जीप लेके जाती है, 3 से 3,500 रुपये लेती है मैक्सिमम, जो कम करा के लेगी वो 3,000 रुपये कर लेगी, और यहाँ से आपको आगे लेके जाएगी उशू फॉरेस्ट है, वो दिखाएगी रास्ते में, और ग्लेशियर और एक दो पॉइंट और है आई थिंक, वो चीज़ें दिखाती है। तो उशू फॉरेस्ट हम लोग यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, बिल्कुल हमारे सामने ही उशू फॉरेस्ट, जहाँ आप लोग को छोटे छोटे पेड़ दिख रहे होंगे, तो वहाँ हम लोग जा सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरी जगह की अगर बात करूँ तो आगे ग्लेशियर है, छोटा सा बर्फ़ का, बर्फ़ हम लोगों ने देखी भी है बहुत ज़्यादा, शारदा में भी देखी, अभी यहाँ भी स्नोफॉल हो रही थी, तो उन चार लड़कों से डिस्कस ही कर रहे थे हम लोग। तो फिर हमारा प्लान ये बना, यहाँ पे एक जगह है ब्लू वाटर, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग वहाँ जाके ट्राई करें। तो जीप लेती है 3,000 रुपये, वो चार लड़के, हम दो लड़के, तो जो पैसे होंगे वो हम लोगों के आपस में डिवाइड हो जाएंगे, यानी उन चारों में और हम दोनों में जो है ना, जो पैसे टोटल जो है वो आपस में डिवाइड हो गए बराबर 3,000 रुपये जो है, 3,000 रुपये बात कही है, लेकिन कम करा के 2,500 रुपये हो चुके हैं, यानी 2,500 रुपये में बंदा राजी हो गया। तो अब यह ब्लू वाटर जा रहे हैं, वो लड़के अभी आ रहे हैं, अपना सामान पैक कर रहे हैं, यानी उनको वापस इस्लामाबाद जाना है। हमारा होटल जो है वो सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम रुके हैं, बोरा मेरा रूम, ये वाला रूम जो है वो हमारा, तो उन्होंने कह रहे हैं हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, तो हमारा सामान है, तो हमारा होटल का टाइम ख़त्म हो गया, तो हमारा सामान हम अपने पास रख लें, हमें तो कल तक रखना है यहाँ पे, तो हमने कहा बिल्कुल आप लें सामान अपने रूम में रख लेंगे आपका, और उसके बाद जो है फिर वो सामान रूम में रख के इन लोगों के साथ हम लोग मिल के जो है यहाँ से जीप हमने की है, प्राडो जो यहाँ पे जीप चलती है 4x4, उसमें हम लोग जाएंगे। अब स्नोफॉल रुक चुकी है, लेकिन जो बात है मैं ये कहूँगा, स्नोफॉल जो लाइव हमने देखनी थी, एक्सपीरियंस करनी थी, वो हमने देख ली है बाहर आके भी, और फिर गरम गरम नाश्ता किया, नाश्ता करने तक हमने जब नाश्ता किया तो बारिश भी शुरू हो गई, यानी अभी बूंदाबांदी हो रही है, थोड़ी तेज़ हो रही है, तो वो भी अलग मज़ा आ रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, और बारिश भी इंजॉय कर ली, यानी स्नोफॉल भी इंजॉय कर ली और बारिश भी इंजॉय कर ली। तो मैं तो पहले बार आया हूँ, पहले भाई आया था इधर, मैं समझा आप यहाँ पे रहते हैं, तो भाई ने बोला कि चलो आज चलते हैं, तुम भी देख लो, मैं आया यहाँ से, सही है, हम लोगों ने यहाँ 10 मरली जमीन खरीदा, और ये कहाँ की बता रहे हैं, कलाम का बता रहे हैं, ये कलाम है, सही है, होटल बनाने के लिए इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे, बन गया हम लाजमी आएंगे आपके होटल में। लेकिन अभी लोगों को पता चला है कि नहीं यहाँ पे जमीन खरीदनी है, घर बनानी है, और ज्यादा से लाहौर के लोग भी यहाँ आ चुके हैं, इस्लामाबाद की भी है। तो आपने कितने की जमीन खरीदी और क्या आपके पास? हमने मरला के हिसाब 60 लाख की मरले खरीदी, एक मरला, एक मरला कितना होता है? एक मरला आते हैं तकरीबन दो कमरे आते हैं इसमें, दो कमरे मतलब 7 लाख की, हाँ सही है सही है, और 60 लाख की एक मरला, आपने कितने खरीदे? हमने 10 मरले। पहले लेफ्ट साइड पे आप देख रहे थे उस तरफ बहुत ज्यादा बादल थे, कहाँ पे इस साइड पे, आप इस साइड पे देखें इधर बादल कब से, और ज्यादा बादल होगा, मैं आप लोग को दिखाऊं, ये आप चेक करें यहाँ का ये वाला व्यू, माशाल्लाह से कितने ज्यादा यहाँ पे जो है बादल हो रहे हैं। आप क्या बना रहे? बीफ टिक्का। बीफ टिक्का कढ़ाई, और क्या क्या मिलता है वैसे आपके खाने में? चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई। ये आपका होटल जो है किस नाम से? सी प्रिंस। नाम से? सी प्रिंस। सी प्रिंस, इनका एक होटल है कलाम में, हम खड़े हुए और मेन कलाम में जब आप आएंगे मार्केट में तो ये ब्रिज है यहाँ पे छोटा सा, तो ये मेन जगह है, और यहाँ पे एक होटल है, इस होटल का नाम है, मैं आपको नाम दिखा दूँगी, नाम नहीं दिख रहा,
सी प्रिंस के नाम से होटल है यहाँ पे। बिल्कुल आप लोग जब इस ब्रिज से आएंगे यहाँ पे एक होटल बना है भाई का। तो हमने अभी दो अंडे उबाले, ठंड बहुत ज़्यादा है, दस्ताने अगर मैंने फुल वाले पहन लिए, दस्ताने हैं जो गर्म है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा, टच काम नहीं करेगा, इस वजह से मैंने ये लिए थे ताकि उंगलियाँ तो निकले हुई हों ताकि हम लोग टच कर सकें, यूज़ कर सकें मोबाइल। जो लड़के हैं जिनसे बात हुई थी वो होटल से हमारे खड़े में वेट कर रहे हैं, उनका सामान रख रहे हैं रूम में, फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से ब्लू वाटर की तरफ। ब्लू वाटर है ना जहाँ सही, अंडे उबल चुके हैं ये रहे। हाय 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 हाय, सर आपका नाम क्या है? वाजिद अली। इनका होटल है यार सी पैक, क्या सी प्रिंस के नाम से। आप लोग अगर कलाम में आते ब्रिज के साथ हो तो यहाँ पे लाजमी आएगा और खाना पीना लाजमी करेगा, बहुत अच्छे बंदे हैं।